Hello friends, my name is Nitesh Tiwari. In this video I will tell you how to remember the word. In competitive exam there are many words which are very tough to understand and very tough to remember those words. So here are some tricks. You can easily understand the word and remember it. This trick you can also use in every exam. Let's start the video. Forebear. Forebear, it means an ancestor. Wherever is four is written, here four is written, you can see this means before. Forebear means hota hai apne purvaj, ancestor. Aur yahan pe ancestor likha hua hai. और इस वर्ड में भी प्री लगा हुआ, प्री मीन्स पहले होता है, तो फोर बी फोर एंड प्री दोनों वर्ड मिल गए हैं जिससे आप याद कर सकते हैं. और यहाँ पर भी प्री की जगह प्रो आ गया है तो आप इससे रिमेम्बर कर सकते हैं. फादर, ग्रैंड फादर. जनरेशन ऑफ दिस फोर बियर हैड लिव इन लंडन, यहाँ पे सेंटेंस भी दिया हुआ है. जनरेशन ऑफ हिज फोर बियर्स हैड लिव्ड इन लंदन, मतलब इसका मतलब होता है कि उनके पूर्वजों की जनरेशन लंदन में रही थी. अगला वीडियो देखते हैं. परटर्ब. एज यू कैन रिमेम्बर दैट परटर्ब इट मीन्स डिस्टर्ब, समथिंग विच कैन डिस्टर्ब यू इज परटर्ब. तो इसे आप डिस्टर्ब से याद कर सकते हैं. डिस्टर्ब मीन्स परटर्ब. और ट्रबल, ट्रबल शूट कंप्यूटर में भी होता है, तो ट्रबल शूट करते हैं मतलब प्रॉब्लम को दूर भगाने वाला, तो ट्रबल शूट करते हैं. अब इसमें ट्रबल का मतलब होता है प्रॉब्लम, मतलब डिस्टर्ब कर देना. बॉदर्ड यानी परेशान कर देना, अपसेट कर देना. और एंटोनिम बेनिफिट एंड काल्म. द मोर ही लॉस, सेंटेंस यहाँ पे है, द मोर ही लॉस द मोर परटर्ब ही गेट्स. जितना ही वह हारते जाता है उतना ही वह परेशान होते जाता है. अगली स्लाइड देखते हैं. एग्रेगियस. एग्रेगियस का मतलब होता है, एग्रेगियस को आप याद कर सकते हैं अग्रेसिव से. अग्रेसिव का नाउन होता है अग्रेशन. तो एग्रेगियस का मतलब जो होता है बहुत ही ज़्यादा खराब होता है इसका मतलब. और एट्रोसस इसका सिनोनिम्स है. और डिप्लोरेबल मीन्स दयनीय कंडीशन होती है, जब डिप्लोरेबल कंडीशन. और इसको एंटोनिम कंसील एंड गुड. इसका सेंटेंस जो है एग्रेसियस एब्यूज ऑफ कॉपीराइट. तो यहाँ पे आप सेंटेंस अपने से भी बना सकते हैं. अगला देखते हैं एक्रीमनी. एक्रीमनी में यहाँ पे आपको क्राइम नज़र आ रहा है, सी आर आई एम. तो क्रीम का मतलब होता है क्राइम, एक्रीमनी का मतलब होता है बिटरनेस. तो इस वर्ड को आप क्राइम से भी याद कर सकते हैं जिसका मतलब होता है बिटरनेस और इल फीलिंग. इल फीलिंग, इल विल, बैड ब्लड, एनिमोसिटी. एनिमोसिटी मीन्स, एनिमोसिटी को यहाँ पे एनिमोसिटी को आप याद कर सकते हैं एनिमी से याद कर सकते हैं. और ये एनिमी का नाउन होता है. और यहाँ पे एनिमी से एनिमिटी भी याद कर सकते हैं. हॉस्टिलिटी का मतलब भी होता है बिटरनेस. और इसका एंटोनिम है गुडविल. सेंटेंस है द एजियम डिजॉल्व इनटू एक्रीमनी. फ्लेजिंग. फ्लेजिंग का मतलब होता है नोविस, जो शुरुआती में आते हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, बिगनर्स होते हैं. टायरो इसका सिनोनिम्स है, फ्रेशमैन, अप्रेंटाइस. फ्लेजिंग को, फ्लेजलिंग को आप याद कर सकते हैं. यहाँ पे एल ई डी, लीड मतलब लीडर. तो एफ़ को, अगर आप एफ़ को फेल से याद कर सकते हैं और लीड को, लीडर को लेट से लीडर याद कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप सेंटेंस बना पाएंगे फेल टू लीड मीन्स द वन हु इज नोविस इज फेल टू लीड इज कॉल्ड फ्लेजलिंग. नेक्स्ट देखते हैं.
इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं, सोफोमेरिक। तो इसमें एच ओ एम लिखा है, एच को, एच ओ एम का मतलब होम, मीन्स चाइल्डिश बिहेवियर। तो इन्फेंटाइल, एडोलसेंट, फूलिश, क्योराइल, स्कूल बॉयज, कैलो, इमेच्योर एंड जुवेनाइल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो सोफोरिफिक, सोफोमोरिक को याद कर सकते हैं आप। एंड और अगर आप सेंटेंस बना के याद करते हैं तो आपको बहुत आसानी महसूस होगी याद करने में वर्ड। जैसे यहाँ पे वी आर डिस्कस्ड बाई ग्रॉन मैन सोफोमोरिक बिहेवियर। चलिए अगला देखते हैं, वेटरन। बहुत ही अच्छा वर्ड है और हर एग्जाम में आने वाला ये वर्ड है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये नहीं आया है। SBI में आ चुका है, IBPS क्लर्क में आ चुका है, और SSC का तो फेवरेट वर्ड है ये। वेटरन का मतलब होता है एक्सपर्ट। तो वेटरन को याद आप कर सकते हैं TERAN, बोले तो टेरेन, ट्रेन, ट्रेन से याद कर सकते हैं, जो बहुत स्पीड में रहते हैं, जो बहुत जल्द काम कर लेते हैं, इज कॉल्ड एक्सपर्ट। मास्टर, कैंपेनर, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। यहाँ पे सेंटेंस है, इसका सिनोनिम्स इम्फॉर्मल ओल्ड हैंड। ओल्ड हैंड यानी पुराने हाथ हो गए हैं, जिसको मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ओल्ड टाइमर, बहुत समय से जो हैं उनको भी कहते हैं। वेट का VET वेटरन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वनरेशन। वनरेशन मीन्स एडोरेशन, अवे, डिफरेंस, स्टीम, रिस्पेक्ट, रिवरेंस। तो ये रिस्पेक्ट से रिलेटेड होता है। जैसे रिस्पेक्ट में बोला जाता है वनरेशन, और इस शब्द का भी यूज़ कर सकते हैं वनरेबल, इसका एडजेक्टिव होगा वनरेबल सर एंड मैडम। जैसे इसको याद कर सकते हैं आप नरेशन से याद कर सकते हैं। नरेशन मीन्स जो समझ समझ होती है, नरेशन यानी समझ। तो जो आदमी नरेट कर पाए, इस कॉल वनरेबल, मीन्स जो समझ पाए अच्छी तरीके से, जो समझ पाए वो रिस्पेक्ट के, जिसकी रिस्पेक्ट की जाए, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप याद कर सकते हैं रिवरेंस, इसका जो वर्ब होता है वो रिवियर होता है, और रिवरेंस इसका नाउन हो गया। रिस्पेक्ट तो आप सभी जानते हैं, एंड स्टीम ये शब्द हो गया। तो ये सभी इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, विट्रियोलिक। विट्रियोलिक जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें VIT एसिड, एसिड जैसे इसकी मीनिंग निकल रही है इसमें। विट्रियोलिक मीन्स होता है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मीन्स बहुत ही कठोर टाइप का, इस कॉल्ड विट्रियोलिक। विट्रियोलिक बिहेवियर, कठोर बिहेवियर, और टफ एक तरह से बोल सकते हैं, SRB बोल सकते हैं, कटिंग बोल सकते हैं, काटने वाला, कटिंग, एसर्ब, एसर्ब एंड एसर्बिक, ये दोनों ही है। और कॉजिस्टिक भी बोल सकते हैं, कॉस्टिक्स, और एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस ये क्रिमिनल से निकला हुआ, क्रिमिनल जैसा सोच, क्रिमिनल जैसी सोच, इस कॉल्ड एक्रीमोनियस। और शार्प, बाइटिंग, स्कैथिंग, विदरिंग, हाइपर क्रिटिकल, हाइपर क्रिटिकल इतना आप याद कर लेंगे। स्कैथिंग, स्कैथिंग का मतलब भी होता है विट्रियोलिक। एब्यूसिव मीन्स एब्यूज करना, एब्यूज करने वाला, नास्टी, सरकास्टिक, सार्डोनिक, साटिरिकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सार्कास्टिक और सार्डोनिक और सटीरिकल और एसर्बिक, एसर्ब, शार्प, स्कैथ। तो ये शब्द एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इनको एक साथ करके याद कर सकते हैं, जिससे आपको भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगली आप अगर वीडियो इसमें और चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं इससे रिलेटेड और भी आपको वर्ड बताऊंगा जिससे आप याद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।